अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। के सारे व्लॉग में हमारे साथ होगी हरम। खा लो, पी लो, मौज करा लो, तेल मालिश करा लो, तेल मालिश करा लो, तेल मालिश कर। एक दो तीन। बस जल्दी आ, जल्दी चलो चलो। हरम 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 आ आ आ हरम खा लिया, लेकिन हरम पानी भी तो हरम हरम आज ही एकदम ये टेस्टलेस है। सुन सुन नन्हे लोरी की गुन हो जा मीठे सपनों में गुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल विद एन अदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में एक प्यारा सा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा गुड्डा है। तो आज का व्लॉग कुछ ऐसा ही होने वाला है कि सारे व्लॉग में हमारे साथ होगी हरम। पिन्नी लाई दोनों। चुप कर। पिन्नी ला के इधर बैठ गई ना। पिन्नी गिर गई है ना। ला ला। चलो पारा इंट्रो पार। नहीं नहीं नुमरा जल्दी जल्दी लगा दे। नहीं पिन इंट्रो वाला पारा नहीं। तो आज हमारे साथ सारे व्लॉग में होने वाली है हरम। हरम को आप देख ही सकते हैं मैंने उठाया हुआ है, बड़ी देर से मैंने उठाया हुआ है क्योंकि मेरे मामा की तबीयत 3 दिन से काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। वो हॉस्पिटलाइज थी और फिर उसके बाद मतलब उनका ख्याल रखने के लिए हमें तो कख खाता नहीं है, तो हम लोगों ने सैरिश को बुलाया था। तो 3 दिन से सैरिश जो थी वो हमारे घर पर थी और हरम को भी संभाल रही थी और घर को भी संभाल रही थी क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी जा रही थी, मैं विश ऑफिस। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मुझे यूनिवर्सिटी से भी छुट्टी है, काम भी कोई नहीं है, तो आज सारा दिन संभालूंगी मैं हरम को। हरम को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि हरम जो है वो ताज़ी ताज़ी बड़ी हो रही है तो हाथ पाँव मारने लग गई है। ठीक है, इसको टिक के आप नहीं बिठा सकते, अभी भी आप देख रहे होंगे कि दुपट्टा खाने में मसरूफ़ है। ठीक है, और आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक व्लॉग बनाऊँ हरम के साथ और स्पेंड करूं अपने 24 घंटे हरम के साथ, तो उसका सारा ख्याल मैं रखूं। तो सैरिश जो है वो घर के काम कर रही थी, अभी भी वो ब्रश कर रही है, सिंक साफ कर रही है, सिंक साफ करके ब्रश कर रही है। अरे कहना क्या चाहते हो। मैंने सोचा कि क्यों ना आज हरम का पैंपर, उसका फीडर, उसको सीरियलैक खिलाना, उफ़ला, उसके सारे काम जो है वो मैं करूँ। तो आज हम हरम का रखेंगे ख्याल, इसको नहलाएंगे, भी महीनों से नहाई नहीं है, बिल्कुल खाला पे गई है, नहाती नहीं है अरसा। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबू। हरम को जैसे गोदी से उतारो तो हरम जो है वो रोने लग जाती है और जैसे ही कैमरा ऑन करो तो हरम चुप कर जाती है। इसको पता है कि कैमरा देख के खामोश कैसे हुआ जाता है ना हरम। बोलो हाँ, बोलो हाँ खाला, पता है, सब पता है मुझे। तो मैंने जो है वो अब सर कह रही हूँ मुँह धो लिया है और मैंने ना रात को अपनी मम्मी से ना तेल लगवाया था क्योंकि मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा था। तो क्योंकि मैंने तेल लगाया था तो आज हरम को मैंने संभालना है और इसके बाद मैंने इसको नहलाना भी है, तो क्यों ना तो क्यों ना हम इसको भी तेल लगाएं। ठीक है, हरम के बाल माशाल्लाह से है नहीं, उसके ना पापा पर चले गए उसके बाल, इसके पीछे से भी देखें टिंड है मतलब कहीं कहीं इसके बाल है और कहीं कहीं नहीं है। तो हरम को हम लगाएंगे ऑयल, हरम की हम करेंगे ऑयल। मेरे ख्याल से हरम जो है वो पहली बार ऑयलिंग करवाने लगी है, इसकी दादो नहीं करती ना इसको। क्या देख रही हो, व्हाट आर यू वाचिंग इन द कैमरा, से हाय। हाय गाइस, दिस इज मी हरम शुएर एंड यू आर वाचिंग माय खालास चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें खाला के चैनल को, बोले हरम टिक। ये जब से बड़ी होने लग गई है इसको फुदकने की बहुत आदत पड़ गई है, तो अब हम लगाएंगे इसके सामने ऑयल। हरम ऑयलिंग ऑयलिंग, बह जा टिक के कुड़िए, बह जा। अच्छा ऑयल लेंगे, ये मैं ऑयल, मैं भी ये ऑयल यूज़ करती हूँ और सैरिश हम लोगों के लिए नाश्ता बना रही है, तो हम हरम को भी यही ऑयल लगाएंगे, प्याज का ऑयल, ताकि इसके बाल जो हैं कुछ हद आ जाए। बचपन में ना मेरे अब्बू है ना हम लोगों को बहुत ऐसे तेल ना मलते होते थे, तो साथ में गाना गा रहे थे, खा लो पी लो मौज करा लो, तेल मालिश करा लो, तेल मालिश करा लो, खा लो पी लो मौज करा लो, तेल मालिश करा लो, तेल मालिश करा लो, तेल मालिश करा लो, तेल मालिश करा लो। अब हरम को अच्छे से हम लोगों ने अरे बस कर भाई, और पागल करके पीछा छोड़ दे। अच्छे से हम लोगों ने हरम को तेल लगा दिया, अब हम लोग नाश्ता करेंगे, मैं और फिर उसके बाद हम, मैं भी नहाऊंगी, फिर हम हरम को भी नहलाएंगे। अम्मी ने हरम को पकड़ा हुआ है तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी स्किन केयर रूटीन कर लूँ हल्की सी। जब मैं स्किन केयर रूटीन कर रही थी तो मैं एक गाना गा रही थी, आ आ
गुची तो हरम जो है वो हंसती है, हरम को आपको दिखाते हैं। हरम चलो अब हरम सुनमुन हो गई है, सुमन बकमन हो गया। हरम माशाल्लाह वाज वाह। हरम जो है वो इंतहाई तेज है, जस्ट लाइक हर खाला। ये जैसे ही कैमरे को देखते ही चुप हो जाती है। अभी ये बांगे मार मार कर रो रही थी, तो अब हम देखेंगे कि हरम ने पट्टी की है कि नहीं की, क्योंकि द टाइम स्टार्ट टू टाइम शुरू हो जाता है कि अब हम हरम को तैयार करें, क्योंकि हरम जो है वो बहुत ही मासी लग रही है अपनी मासी की तरह। तो हरम को देखते हैं कि हरम ने पट्टी की है कि नहीं की, फिर हम करेंगे हरम का पैम्पर चेंज, ठीक है, पैम्पर लगाएंगे फिर हरम को। मैं पहली बार, मतलब जब से हरम पैदा हुई है, मैंने आज तक ना तो इसकी कोई पॉटी शर्ट ही साफ किया और ना ही मैंने कभी इसको पैम्पर लगाया। तो हम देखेंगे कि हरम ने पॉटी की है कि नहीं की। ची ची, किया किया, मुझे पता है ना किया किया किया, माँ को पता होता है कि पॉटी की है। है हरम की, आपने पॉटी की, आओ चेक करते हैं हरम की। जब ये रोती है इसका मतलब की है इसने, की हुई है इसने पॉटी। हाँ मुझे तो बड़ा वो हो रहा है, मैं वो हूँ बड़ी सी। अम्मी जी अब जो है हरम का पैंपर उतारने के बाद आके, चल गंदी छोड़ पैंपर। हरम को जो है वो दाने से निकले हुए, पता नहीं क्यों, आई थिंक मौसम चेंज हो गया। इधर पैंपर उतारना है तो दूर हो जा, अभी तो ताया भी नहीं है मेरे बेटे के कारण पहले मुंह बना रही है। तुमसे ना हो पाएगा। हरम नहीं नहीं कर रही है। बालों को तो करो, तो मैं शैम्पू लगाए शैम्पू, ये हरम ने मेरे बाल देखे कैसे लग रहे हैं, वैसे पता नहीं मैं लेके भाग गई। इमरान ने नहला लिया है, वो लेके आ रही है काफी को। जी मैंने इसको बेबी शावर दे दिया है, असल में बेबी शावर जो है उसको कहते हैं, जो आपने बनाया वो बेबी शावर सही वाला बेबी शावर नहीं है। हमने जो है हरम को नहला दिया, हरम देखे पहले से ज्यादा बेहतर लग रही है, महीने बाद नहीं है साल बाद ना आई है, नहीं साथ इसको पैदा हुई थी बेबी, चार महीने की है ना, पाँच महीने की है। तो अब हम हरम को पाउडर लगाएंगे, पाउडर लेकर आई, हाँ पाउडर लगाएंगे, पैम्पर लगाएंगे, पैम्पर मैंने पहले भी लगाया और मुझे लगाना भी आता है। फिर पाले से कपड़े बनाएंगे, कपड़े कौन से बनाएंगे, खाला की जान। ये मेरी और हरम की कस्टमाइज शर्ट है, मेरे पास लिखा हुआ है खाला और इसके पास है खाला की जान। तो बड़ी प्यारी सी शर्ट है, मैं और ये आज ट्रेनिंग करेंगे क्योंकि हम लोग सारा दिन आज साथ स्पेंड करने वाले हैं, तो मैं तो बाद में रहूँगी। हमने सोचा कि पहले हरम को तैयार करके खाना शाना खिला दें, क्योंकि मैंने तो खाली इस बेचारी ने नहीं खाया, तो इसको तैयार करते हैं। हरम को खाला कितना अच्छे अच्छे पैंपर लगा लिए है, ये देखो 1 2 3 गर्दन ऊपर करो जो आपके पास है ही नहीं आपके पास तो गर्दन है ही नहीं, आपके पौधर कहाँ लगाएंगे हम ना चित्ती होगी हरम, चित्ती होगी, चित्ती होगी, चित्ती हो। हरम को भूखी भूखी भी लगी है, अभी हरम को खाना भी खिलाएंगे। छीन ले हरम, क्या कर रही हो, बाजू पर जमा करना। अच्छा, ये क्या बात,
बस बस अब हरम के पेड़े से बाल हरम के पाल अच्छे बाल जो उसके पापा पे चले गए हैं और हम फिर इसको कंगी करेंगे ये और लगाएंगे पिन में पिन्स ये लो हलम हो गई है तैयार। हरम तो मॉडल लग रही है भाई साहब, हरम की सेक्सी टांगे तो देखें आप। हरम को मैं हीरोइन हूँ, मैं हीरोइन हूँ, चल चल के फोटोज में पेट निकला वही हीरोइन का क्योंकि मैंने नाश्ता कर लिया। बस सारी हरम को हम लोगों ने कब से लटकाया है, नाश्ता नहीं दे रहे हम उसको, तो हम बनाएंगे उसके लिए सीढ़ा का। वो काफी देर से रो भी रही है तो हम लोग जो है वो बॉइल्ड वाटर लेंगे। मिनियंस मेरे फेवरेट मूवी है, अगर आप लोगों ने देखी हुई है द आइस एज। ऐसा ही पा नहीं चुप कर बहुत है। 3 चम्मच नहीं, 4 चम्मच नहीं, 5 चम्मच और 6 चम्मच 7 चम्मच सारा डाल दो। अब मिक्स करो, थिकनेस चेक करो। ऐसे नहीं खाती वो, लेट के खाती है। ऐसे भी खाए उसके हाथ पाँव कैसे ऐसे है। हरम के बड़े नखरे हैं। नहीं नीचे अम्मी तकिया रखो। और डर गई। बैठ बैठ बस मेरा बेटा। ओए ओए मेरा बच्चा। बस बस गर्दन ऊपर करो, जो है नहीं आपके पास। बस जल्दी जल्दी बाहर जल्दी चलो चलो। हरम हरम आ आ आ ऐसा नहीं ना। अच्छा चेक करके देखा टेस्टलेस। ओए बोतल में क्या पा दिया, मैं तो माँ पे तो लाडला हूँ। ये हम लोग कहीं किसी रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहाँ पे खाना बाद में पहले टिश्यू मंगवाते हैं और उसको बैग में रखते हैं। ये टिश्यू भी तो बचे तो हरम को हमने खाना खिला दिया है। हरम है बहुत खुश और इसकी टमी भी है खुश है ना। बच्चे का चुप करने का ये तरीका, जब बच्चा रो रहा हो आप भी उसके साथ रोने लग जाए, वो खुद ही चुप हो जाता है। मस्त प्लान है। अल्लाह हरम बस हरम बस। अच्छा मेरा पाला पाका। अब जो है वो हरम सो चुकी है, इसको अल्लाह अल्लाह करके अम्मी ने सुला दिया है। तो अब मेरे पास टाइम है कि मैं नहा लूँ और मेरी और हरम की जो सेम शर्ट है वो पहन के फिर हम लोग फोटोशूट करें और फिर बाकी का दिन भी हरम को चुप करवाते करवाते गुजार दें। तो चलते हैं कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, तैयार होते हैं। A few moments later. मैं जो हूँ वो तैयार हो चुकी हूँ पूरी तरह, ठीक है। मैंने वो शर्ट पहनी, मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा बच्चा दिखा जाए और मैंने वो ब्रेड्स कराई हैं। लेकिन यहाँ हरम को देखें कि कैसे मेरा हाथ चाट रही है। चाटते जो है ये वो वहाँ पे चले बच्चे वापस आ जाओ अपनी दुनिया में। हरम खाला कैची लग रही है, खाला बहुत सारी लग रही है, दूसरी खाला मासी लग रही है, ऑलरेडी वो मासी है। ये लो चाट लो भाई, चाट लो। तो डे लाइट जो है वो ऑलमोस्ट गायब होने वाली है या हो चुकी है और मैं और हरम हो चुके हैं टंटरा तैयार। तो मैंने सोचा कि क्यों ना छत पर जाकर थोड़ी सी तस्वीरें खींची जाएँ। तो हम लोग छत पर जाने लगे हैं तस्वीरें खींचने के लिए और इसकी अम्मा ने इसको ढेर सारी पिंस लगा दी हैं जबकि बनती नहीं थी लगानी। मैं भी शाजा हरम भी खिंचन दी तस्वीर आप पुड़ गया देखो। अच्छे देख ला हरम हरम का लिए, लेकिन हरम पानी भी तो हरम आज ही 10 घंटे लगा के पानी की है। हरम हरम रोने लग गई है, इसको दूध की जरूरत है तो इसके लिए फीडर बनाते हैं और उसको पिलाते हैं। फीडर भी मैं खुद बनाऊंगी। आओ हरम भाई चल। अब हम बनाएंगे दूध, हम हरम के सामने ही दूध बनाएंगे और हरम को पकड़ के दूध बनाएंगे ताकि कल को हरम बड़ी हो जाए तो खालों पे खालाओं पे इल्जाम ना लगाए कि मुझे
मुझे तो ख्याल ही मेरा तो ख्याल ही नहीं रखी थी, मैं तो दूध भी नहीं पीती थी। तो ये बॉइल्ड वाटर है ठीक है, हम इसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे, सच में मुझे पता है इतना। ये शीशे का वो है, शीशे का हीटर, स्टार्ट करो हीटर, इसके अंदर डालेंगे पानी, बस बस उनको देखिए, बस बस बस। और ये डालेंगे दूध, थोड़ा ही बनाते शायद ना ही पिए ये वाला दूध, ये टेस्टलेस है। मैंने तो एक दिन खाया था, नहीं था अच्छा। दो चम्मच, एक डेढ़ दो डाल दो, ज्यादा पानी डाल दिया तुमने, इतना उसने पीना भी नहीं है वैसे ना, बस गाढ़ा दूध नहीं पिलाना उसको। नहीं चुप तो नहीं करती। खैर सही, तुमने नहीं ढक्कन बंद किया उसका। साले का खोपड़ी तोड़ दे, खोपड़ी तोड़ साले का, उसका बस नहीं चल रहा, खाला का मुंह तोड़ दे। ये मेरे मुंह से छीन लियो फिर, ये लो पी लो, पी लो पी लो पी लो। सिरिला की खिला दो, उसने इसको ऐसे ही खाना है, वो नहीं पीती, वो बस सारा तो। जिसमें हरम सो सके, तो हमारे पास ना तो कोई खास किस्म का झूला है और ना ही कुछ कोट वगैरह जिसमें हम हरम को डालें, तो हम लोग नुस्खा निकालते हैं, महंगा किस्म का दुपट्टा लेते हैं, मलमल का, मलमल ही लान का, ये मुझे पीआर में आया था, फिर उसको उधर बांधते हैं और इधर बांधते हैं, क्योंकि हमारे पास चार पाई भी नहीं है, तो सोफे पे बांधते हैं और फिर इसके अंदर इसको डाल देते हैं। इधर आए आपको हम सब कुछ कहते हैं। अब ये जो है हमारी हरम का लेविश किस्म का वो है, इस चोल मैंने यहाँ से बंद किया है, यहाँ से खुली है, ये हमारी हरम का फिर से मैं बंद हूँ, इसको पहले तो बंद हुआ था, ये हमारी हरम का लेविश, वो देखे नहीं आपने मीरो के बेबीज बेडरूम, बेबीज फ्लां, बेबीज टिमका, हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास ही जल्दी है। यार कस के बांध गिर जाएगी वो। चलो अब हरम आपके जाने का टाइम हो गया, आपको जल्दी के तो डालने लगे हम। क्योंकि सारा दिन मैंने आज हरम को संभाला और मैंने बेड़ा उठाया था कि मैं उसको संभालूंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा कुछ ही मैंने किया है, उसका पैंपर चेंज करते हुए मुझे उल्टी आने लगी थी वो मैंने नहीं किया, और बीच बीच में मतलब जो काम माँ कर सकती है वो खाला तो नहीं कर सकती, तो वो ऑब्वियसली सैरिश ने किया होगा, उसको संभाला होगा थोड़ा बहुत, कहीं अम्मी ने कहीं महविश ने, तो फिर भी मैंने सारा दिन उसको संभाला, उसके काफ़ी सारे काम किए और उसको सुला दिया। सबसे मुश्किल काम होता है उसको सुलाना ही ना, झल्ली में उसको डालो और झूले देते रहो देते रहो देते रहो और फिर वो सो जाती है, और झल्ली जो थी वो हमारे पास नहीं थी अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमारे घर में कोई बच्चा तो है नहीं, लेकिन सैरिश के घर में क्योंकि चारपाई है और बच्चा भी है तो झूला भी है झल्ली भी है सारा कुछ है, तो वो मैनेज कर लेते हैं, और हम लोग तो जुगाड़ू हैं, आपको तो पता है मैंने तो अपनी सेफ अलमारी का भी जुगाड़ लगाया हुआ है, हैंगर के साथ उसको मैनेज किया हुआ है, तो हम
झल्ली को भी सोफे के साथ लटका लटकू के काम कर लेते हैं। खैर मैंने अपना पूरा दिन आज हरम के साथ स्पेंड किया, हम लोगों ने ढेर सारी पिक्चर ली, वो आपको मिलेंगी इंस्टाग्राम पे। आप इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे फॉलो करें, मेरी हरम को भी फॉलो करें, और हमारी न्यू अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।